गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू सिंपली शैडो। तो वीडियो देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का दिन कितना बिजी होने वाला है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, जैसे कि मैं नहीं उठती हूँ, तो आज 6 बजे उठ गई हूँ। उठने के बाद आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, मैं जब बेड से निकली तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं पूरा पैक हो गई और अवन में बन रहा है एक केक, और साथ में एक केक बन के तैयार हो गया था। इसको ठंडा करना है, साथ में किचन का हालत देख ही सकते हैं कितना सारा। यही वजह है सुबह जल्दी उठने का। कल रात मैंने कुछ काम नहीं किया था, सोचा सुबह ही कर लूँगी। आंगूर नहीं आसबो, अनार नहीं आसबो, पपैया नहीं आसबो, ग्रेप्स बेर करे रखा, আর কি আনব শোনা, বলো বলো, তরমুজ আনবো, আর কি বানানাও দিয়ে দেবো একবারে, বানানা তরমুজ দিয়ে দেবে দেবে বানানা জুস আছে। একমি খাওগে তুমি খাওগে? ইফটি এন্ড हेल्दी। सुबह फ्रूट्स खा के ही मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं नहा के तैयार हो गई। तब तक बेकिंग क्लास के लिए सब लोग आ चुके थे, तो आज मैं बेकिंग क्लास में दिखाने वाली थी फोंडेंट का यूज़ करना। फोंडेंट का यूज़ करके हम लोग केक को कैसे डिज़ाइन एंड डेकोरेशन करते हैं, वही दिखाना था। इसलिए मैंने सबको बुला लिया था एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। तो क्लासेस में सब लोग सही टाइम पे आ गए थे। टाइम मैंने रखा था 11 बजे, तो 11 बजे तक सब लोग पहुंच गए थे, जिन लोगों को भी बुलाया था मैंने। लेकिन गड़बड़ी हुआ टाइमिंग में। मैंने सोच के रखा था कि शायद 2 घंटे में केक का काम हो जाएगा, कंप्लीट कर दूंगी, केक बना के तैयार कर दूंगी और सबको दिखा भी दूंगी। लेकिन वही काम कंप्लीट होते होते, क्लास कंप्लीट होते होते 3 घंटा लग गया था, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सब लोग मदद कर रहे थे, सब लोगों को मैंने थोड़ा बहुत सिखाया फोंडेंट यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसको रोल करते हैं रोलिंग शीट में, और कैसे फ्लावर्स वगैरह बिठाते हैं, स्प्रे कलर, मतलब जितना भी सारे बाकी था वही मैं आज इन लोगों को दिखा दिया। तो उसके बाद मैं केक को फाइनल डेकोरेशन कर रही हूँ फ्लावर्स डाल के। कैसे फ्लावर को बिठाना होता है केक के टॉप में, वही मैं सब लोगों को दिखा रही थी। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गया था, इस केक का नाम लिखना, जो मैं अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि फोंडेंट के ऊपर क्रीम से मैं जिन बच्चे का बर्थडे है उनका नाम बाद में लिखूंगी, नहीं तो फोंडेंट थोड़ा पिघलने लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट करके उसको डाला। नाम इधर डालेंगे, इधर मास्टर दीवांश आ जाएगा क्योंकि। और ये रहा मास्टर दीवांश का केक का फाइनल लुक। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और बहुत सारा काम भी बाकी था जो मैं करने वाली थी, जैसे कि कपड़ा धुलना, ना धुल के तैयार था कपड़े वॉशिंग मशीन में, लेकिन मैंने डालने का टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े जल्दी सूख जाए क्योंकि इसके बाद भी कई सारे और भी प्रोग्राम हैं, प्लान है। आज मोमो का प्लानिंग भी था जो कि लगभग कैंसिल होने वाला है, और आज आरुष को मैं खुद नहीं नहा पाई। आज खुद ब खुद नहा रहा है और आरुष नहा के आया, तो अभी खाना खिलाने के बारी। आरुष को खाना खिला रही थी लेकिन साइड में मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, तो आरुष के पापा ने मेरे लिए मिक्स फ्रूट जूस बना के लेके आया। ये पीने के बाद मेरा तो पेट एकदम पूरा भर गया था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिल चुका था मुझे इस जूस से। और इस मिक्स फ्रूट जूस में क्या क्या था वो भी मैं एक बार आप लोगों को बता दी। तो इस जूस में था ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, ऑरेंज, और क्या, बस इतना ही, इतना सारा था जो कि बहुत ज़्यादा रिच था। तो उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद टाइम हो गया था एक आफ्टरनून नैप की, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी तो रेस्ट करना तो बनता है। उसके बाद उठ के मैं होने लगी तैयार, लगभग सब लोग तैयार हो गए थे। मुझे खुद से कैमरा पकड़ने का टाइम नहीं मिला, तो मेरे हस्बैंड ये क्लिप्स निकाल के दे रहे हैं। तैयार होने के बाद मुझे याद आया मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया,
तो फिर मैं जल्दी से कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, और मेरा प्लानिंग था मैं सूट पहन के जाऊँगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की वजह से मुझे साड़ी पहन के जाना पड़ रहा है। तो जैसे तैसे मैं साड़ी पहन के लगभग तैयार हो गई हूँ, और सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और सबसे मतलब गलत बात नहीं, सबसे दुख की बात यह है कि बाहर करंट नहीं है। मतलब वैसे तो मेरे रूम में है, लेकिन बाहर अंधेरा है। तो अभी जल्दी से जाऊंगी, तैयार हो गई हूँ। बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। तो अभी निकलने का टाइम हो गया है। फाइनल लुक में देख रही थी मिरर में, तो उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। बाहर निकलते ही शॉक लगा, एकदम पूरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग रोड से चलते हुए स्टेडियम के पास पहुंच गए। स्टेडियम में बहुत प्यारा सा म्यूज़िक बज रहा था, और साथ में फुल मून हो रखा था, तो वह भी मतलब एक अलग सा मतलब सुंदर लग रहा था स्टेडियम में। और स्टेडियम में पहुंचने के बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, प्रोग्राम देखा, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, डांस किया, मस्ती किया, रील्स बनाया, फोटोज वीडियोस क्या क्या किया, आप लोग खुद चेकआउट कीजिए। हम लोग फौजी फैमिली कैंप के अंदर कुछ प्रोग्राम होता है तो कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, एक छोटी छोटी खुशी। और ये तो एक बहुत बड़ा सा अचीवमेंट था, क्योंकि हमारा कोबरा 201 ये नंबर वन हुआ था, मतलब विनर बना था बैटिलियन के बीच में। तो इसी खुशी में आज ये फंक्शन रखा गया था। तो ये पार्टी हम लोग इंजॉय करने के लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया था। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आप लोग खुद चेकआउट कीजिए, क्या क्या मस्ती कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, करमपुर के कांटों से भी आई खुशबू। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री विजय प्रताप कुमार नियम 201 कोबरा आदरणीय आज आमंत्रित सभी सम्मानीय हमारे मैडम जी, और जो कि ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम के बीच में ही निकल के आना पड़ा, क्योंकि केक का डिलीवरी देना था मुझे। रात के 9:30 बजे मैं केक दे रही हूँ, और अब फिर से स्टेडियम की तरफ जाते हुए।
खाना नहीं खाया, खाना खा लो बाद में चाय चला देंगे। बाकी डांस करो, एंजॉय करो।